कोरोना काल में शराब की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी के साथ पुलिस ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। ऐसे में तस्कर शराब की तस्करी के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करने लग गए हैं। वाड़ी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप ही चौंक जाएंगे। दरअसल वर्धामना इलाके से कोरोना काल में खपाने के लिए तस्कर एम्बुलेंस में रखकर शराब ले जा रहे थे और उन्हें चकमा देने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन पुलिस की नजर से वे बच नहीं सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात करीब 2 बजे के दौरान वाड़ी पुलिस अमराती राजमार्ग पर पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी बीच पुलिस कर्मी को गौनखेरी से नागपुर की ओर आती हुई एक मारुति कंपनी की ओमनी एम्बुलेंस दिखी। एम्बुलेंस ड्राइवर का ध्यान पुलिस की गाड़ी पर जाते ही उसने सायरन बजाना शुरू कर दिया। पुलिस के ध्यान में आते ही एम्बुलेंस को वर्धामना चौक में रोका गया। एम्बुलेंस की जांच की गई तो वाहन में कोई रुग्ण मौजूद नहीं था। पुलिस ने ड्राइवर को सायरन क्यों बजाया पूछने पर उसने इमरजेंसी है ऐसे हवे में बात करना शुरू कर दिया। एम्बुलेंस क्रमांक MH 31 CQ 8499 की जांच की तो पुलिस कर्मियों को अंदर से महुआ शराब की सड़ी पास आने लगी। पुलिस कर्मियों ने ड्राइवर का नाम पूछने पर सचिन दिलीप दरवड़ी उम्र 27 माधव नगरी बुद्ध नगरी झोपड़पट्टी MITC का निवासी था। उसने बताया यह शराब का माल भोला प्रधान उम्र 32 पुलिस नगर आसी चौक हिंगना का निवासी था। पुलिस ने हाईवे पर दौड़ रही महुआ शराब लदी एम्बुलेंस को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने एम्बुलेंस में सफेद पन्नी में रखी 100 रूपए प्रति लीटर कुल 25 लीटर 2500 रूपए की महुआ शराब और ओमनी एम्बुलेंस क्रमांक MH 31 CQ 8499 कीमत 1,50,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी चालक सचिन दिलीप दरवड़े व शराब मालक भोला प्रधान के खिलाफ अपराध 65E के अंतर्गत राज्य दारूबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। यह कार्यवाही PI प्रदीप सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में PSI शशिकांत चिपड़े DB पृथक प्रभारी सुनील मस्की कांस्टेबल श्रीकांत कनौजिया नारायण मंगेश ने कार्यवाही को अंजाम दिया। काल रात्री PSI चिपड़े DB स्टाफ व चेतक मोबाईल वरील स्टाफ असे पेट्रोलिंग करत असताना वडधामना चौकात थांबलेले होते। रात्री 2:00 दरम्यान अमरावतीकडून नागपूर बाजूकडे जाणारी एक ॲम्ब्युलन्स येताना दिसली। पोलिसांना पाहून त्यांनी सायरन वाजवण्यास सुरुवात केली, त्यामुळे गस्तीवरील PSI चिपडे व स्टाफना शंका आल्यामुळे त्यांनी ती थांबवली। ॲम्ब्युलन्स थांबवल्यावर त्याला विचारपूस करता त्यांनी उडवडूच उत्तर दिली। ॲम्ब्युलन्समध्ये कोणता रुग्णही नव्हता। चेक केला असता त्यामध्ये मोहफुलाची दारू मिळून आली, 25 लिटर दारू मिळून आलेली आहे। ती दारू भोला प्रधान याची MIDC भागातील गेडावन वगैरे इथे राहणारा भोला प्रधान याची असल्याची त्यांनी सांगितली आणि ड्रायव्हरचे नाव सचिन दरवडे माधवनगरी MIDC हा होता। तर तो ती मोहफुलाची दारू ॲम्ब्युलन्समधून घेऊन जाताना मिळून आलेला आहे, तर त्यामुळे त्याच्यावर महाराष्ट्र दारूमध्ये कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि मोहफुलाची 25 लिटरची दारू आणि ॲम्ब्युलन्स क्रमांक MH 31 CQ 8499 जप्त करण्यात आलेली आहे। पुढील तपास पोलीस हवालदार मस्ती करत आहेत। BCN न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।